नमस्कार। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो नेस्टेड व्हाइल पे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने व्हाइल पे वीडियो डाला था, आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक डाला हुआ होगा। तो नेस्टेड व्हाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नेस्टेड फॉर लूप आप देख लिए थे। नेस्टेड व्हाइल का मतलब कहीं भी नेस्टेड का कॉन्सेप्ट आता है, वो चाहे इफ हो या लूप हो, आपको सेम चीजें दिमाग में बैठाना होगा कि जब कोई भी लूप या व्हाइल लूप किसी दूसरे व्हाइल लूप के बॉडी में आता है तो नेस्टेड होता है। जैसे एक व्हाइल लूप के बॉडी के अंदर दूसरा व्हाइल लूप है तो नेस्टेड होगा। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम में आपने दो व्हाइल लूप लिखा है तो वो नेस्टेड होगा। तो नेस्टेड व्हाइल लूप के लिए सिंपल सा क्या है कि फर्स्ट व्हाइल हम लोग सबसे पहले नेस्टेड में क्या करते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नेस्टेड का मतलब क्या है, जब किसी एक बॉडी व्हेन इन द बॉडी ऑफ एनी व्हाइल लूप वी राइट अनदर व्हाइल, तब क्या होगा, नेस्टेड। देन इट इज नोन एज नेस्टेड व्हाइल। देखो मैं जो भी लिखता हूं एकदम सिंपल लैंग्वेज में ताकि आप आसानी से समझ सके, एग्जाम वगैरह में आए तो ऐसा ना हो कि डिफिनेशन रटना पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट रटने की कोशिश करते हैं, अगर आप बुक स्टडी करना अच्छी बात है लेकिन उसमें वर्ड जो है ना हार्ड यूज होता है, इसलिए हमें टफ लगता है और वो याद नहीं कर पाते। एक्चुअली समझना है, मैंने क्या बताया कि जब एक फाइल के बॉडी के अंदर दूसरा फाइल आएगा नेस्टेड वाइल होगा, सिंपल वही लिख दिया। अब क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या इंक्लूड कर सकते हो एग्जाम में, इसमें जो फर्स्ट वाइल होगा क्या होगा, फर्स्ट वाइल इज आउटर वाइल, एंड सेकेंड वाइल इज इनर वाइल। फर्स्ट वाइल आउटर वाइल होगा और सेकेंड वाइल क्या होगा, इनर वाइल होगा। अब आता है कि बॉडी किसका क्लोज करेंगे, तो ऑफ कोर्स इनर का फर्स्ट क्लोज होगा। फर्स्ट वी क्लोज द बॉडी ऑफ इनर वाइल, पहले इनर वाइल का बॉडी क्लोज होगा तब आउटर वाइल का होगा। ये आप अगर इसको नोटिस करोगे अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिखेंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, और आप देखने के बाद भी लगेगा कि यस आपने अपने लैंग्वेज में डिफाइन किया। अब क्या है, इसको और थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि आउटर वाइल जब वन बार रन करेगा तो इनर वाइल कितने टाइम्स रन करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा व्हेन आउटर वाइल इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम देन इनर व्हाइल विल एग्जीक्यूट टिल कंडीशन इज ट्रू, टिल कंडीशन इज ट्रू। कहता है कि जब आउटर व्हाइल वन टाइम रन करेगा तो इनर व्हाइल तब तक रन करेगा जब तक कंडीशन ट्रू हो। तो सिंपल सा है, डेफिनेशन याद करना टफ नहीं है। जब एक बॉडी के अंदर दूसरा वाइल लिखेंगे तो नेस्टेड वाइल होगा। फर्स्ट वाइल क्या होता है, आउटर वाइल। सेकेंड वाइल क्या होगा, इनर वाइल। फर्स्ट हम लोग इसका बॉडी क्लोज करते हैं तो इनर वाइल का, उसके बाद जो बॉडी क्लोज करेंगे आउटर वाइल का क्लोज करेंगे। और जब आउटर वाइल वन टाइम रन करेगा तो इनर वाइल तब तक रन करेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगा। अब यहां पे देखिए इसका सिंटैक्स, सबसे पहले यहां पे हम लोग, इसके पास भी थ्री एक्सप्रेशन है, यहां पे इनिशियलाइजेशन, ये आउटर व्हाइल का इनिशियलाइजेशन। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, व्हाइल कंडीशन यहां पे ओपनिंग कर ली ब्रैकेट, फिर यहां पे इनिशियलाइजेशन किसका होगा, इनर व्हाइल का।
आफ्टर दैट, चलो यहां पे व्हाइल लिख दे, आप चाहे तो कोई स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, व्हाइल इसके बाद यहां पे कंडीशन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, अब यहां पे स्टेटमेंट्स, यहां पे अपडेशन, ये इनर व्हाइल का अपडेशन है, बॉडी क्लोज, फिर यहां पे अपडेशन, ये आउटर व्हाइल का, यहां से आउटर व्हाइल का बॉडी हो गया क्लोज। आप देखना ये इनर व्हाइल का क्लोजिंग है और वो आउटर व्हाइल का, दिस वन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट में भी होता है। तो ये सिंटैक्स है, अगर इसी पे एग्जांपल अगर आप यहां पे सिंपल सा लेते हो, जैसे यहां पे आई इक्वल टू लिख दिया वन, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू फाइव, j इक्वल टू वन, ये इनर वाइल का हो गया। आफ्टर दैट व्हाइल j लेस देन इक्वल टू फाइव, यहां पे मैं प्रिंट कर दिया, प्रिंटेड में लिख दिया राज। आफ्टर दैट यहां पे j प्लस प्लस, फिर यहां पे आउटर अपडेशन i प्लस प्लस, ये बॉडी क्लोज। अब क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि एक वाइल के अंदर दूसरा वाइल होगा तो नेस्टेड होगा, जब ये वन टाइम रन करेगा i का वैल्यू वन होगा, नीचे आएगा और जे में वन इनिशियलाइज करेगा, ये कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू फाइव, ये लेस देन इक्वल टू फाइव लिखा, अगर नहीं पता चल रहा होगा फिर से लिख रहे हैं लेस देन इक्वल टू फाइव। तो अब ये प्रिंट करेगा राज, फिर जे प्लस प्लस, यहां से ऊपर जाएगा, देखेगा जे का वैल्यू टू हुआ है, फिर से राज प्रिंट करेगा और जे प्लस प्लस होगा, अगर जे का वैल्यू थ्री होगा फिर यहां से आएगा, देखेगा कि अभी लेस देन फाइव है, थर्ड टाइम प्रिंट करेगा और जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू फोर होगा, अभी भी फाइव से छोटा है, राज को फोर टाइम प्रिंट करेगा, देन आफ्टर यहां से नेक्स्ट जे होगा तो जे का वैल्यू फाइव होगा, इक्वल टू है, कंडीशन ट्रू है, राज प्रिंट करेगा, इसके बाद फिर अवर क्या होगा, जे का वैल्यू सिक्स, ये लूप फॉल्स करेगा और फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू टू होगा, फाइव ही वन से स्टार्ट होगा, इट मीन्स ये 25 टाइम्स राज को प्रिंट करेगा। अब चलिए देखिए इस सेम एग्जाम्पल को मैं रन करवाता हूं, आप देखेंगे कैसे रन करता है। ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑलरेडी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो रिप्रेजेंट किया हूं, नेस्टेड वाइल का, यहाँ पे आई का स्टार्टिंग वैल्यू वन है, आई लेस देन इक्वल टू फाइव, जे इक्वल टू वन, जे लेस देन इक्वल टू फाइव, मैंने प्रिंट एफ में राज दिया है, जे प्लस प्लस, सेम टू सेम एग्जांपल, 25 टाइम्स प्रिंट करेगा। चलो मैं इसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ, आप देखेंगे तो राज 25 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस तरह से नेस्टेड वाइल पे, नेस्टेड फोर का जितना प्रोग्राम था आप नेस्टेड वाइल पे बना सकते हैं। अगर मैं इसको सुधार देता हूँ, आई लेस देन इक्वल टू फाइव को अगर आप थ्री कर लेते हैं, इसे आप थ्री कर लेंगे तो ये थ्री इंटू थ्री नाइन टाइम्स दिखाएगा, थ्री इंटू थ्री नाइन टाइम्स राज को लिखा। इट मीन नेस्टेड फोर का जितना प्रोग्राम है आप इसमें बना सकते हैं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।